सरकार की ओर से 1932 खतियान, 27% ओबीसी आरक्षण और साथ ही साथ मॉब लिंचिंग के विधेयक को वह पुनः एक बार फिर से सदन के पटल में लाने की तैयारी हो रही थी। और आपको बता दें कि इसको लेकर के विधानसभा से यहां पर अगर बात की जाए तो विधायकों ने जवाब मांगा है राज्यपाल से कि आखिर इन विधेयकों को क्यों वापस किया गया था, क्या कुछ त्रुटियाँ थी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जो चीज़ें हैं स्पष्ट हो, इसके लिए तमाम लोगों ने जवाब भी मांगा था। अभी तक फिलहाल राजभवन से कोई भी चीज़ें जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं आई हैं, सचिवालय से तमाम बातें जो है वो साफ नहीं हुई है, लेकिन एक बार फिर से उसे सदन के पटल पर लाने की तैयारियां जो है वो सरकार कर रही है। क्या कुछ आने वाले समय में होगा वो फिलहाल बाद में पता चलेगा, लेकिन हम लोग आपको सीधे सुनाएंगे कि इन तमाम विधेयकों को लेकर के क्या कुछ कहना है विधायकों और मंत्रियों का, सीधा सुनिए। नहीं, ये एक बड़ा विस्तृत विषय है, एक बाइट में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऑनरेबल गवर्नर का जो ऑफिस है उसकी भूमिका कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। विधेयकों को लौटाने की प्रक्रिया का जिस तरीके का अनुपालन किया जा रहा है, इस पर विस्तृत चर्चा संभवतः शाम तक हमारे संगठन के लोग करेंगे आपसे। सरकार की नीति और नियति साफ नहीं है, सरकार इस मामले को लेकर कब गंभीर रही है। अगर सरकार की नीति और नियत साफ रहती है तो अब तक झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो गया रहता। अभी आप देखेंगे हजारों की नियुक्ति सरकार कर रही है, इसका नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है। 1932 करते करते ये 2023 में आ गई है, 740 में आ गई है, और आप देखें लाखों की संख्या में लोग उतर के सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये सरकार गंभीर नहीं है, ये सरकार बिल्कुल ही नहीं चाह रही है। सरकार के लिए 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति सिर्फ इसके लिए एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इससे ज़्यादा ही सरकार के लिए कुछ नहीं है। अगर सरकार की नीति और नियत साफ रहती तो झारखंड में अब तक लागू हो गया रहता। कहने कि किस तरह से सरकार और सरकार में शामिल पदाधिकारी की कितनी लापरवाही है कि छोटे जिन लोगों को स्पेलिंग तक पता नहीं है, और स्पेलिंग और हिंदी और अंग्रेजी में अंतर रहने के कारण कई विधेयक जो सदन से पारित होता है वो वापस आ जा रहे हैं। ये बिल्कुल सरकार और सरकार में शामिल पदाधिकारियों की लापरवाही का द्योतक है। राज्य में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर आपका क्या रुख रहेगा? निश्चित रूप से इन सारे मामले को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। देखिए, अभी अखबार में मीडिया में चल रहा है, जब तक सरकार तो लाया नहीं जाएगा तब तो सत्य नहीं मानना है, आने दीजिए पहले। सरकार को घेरने की तैयारी है लॉ एंड ऑर्डर पे, बीजेपी पहले ही धरना पे बैठी है। बीपीएस के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि सरकार इतना काम कर रही है, इतना नियुक्ति, इतना विकास, इन लोग पर बोलने के लिए, जनता में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कर रही है सरकार, किसी पार्टी को कहीं भी हो देश में घटनाएं छिटपुट होते रहते हैं। 5 दिन बचते हैं कुल विधानसभा के काम के, तो 5 दिन में रोज 2 सवाल एक व्यक्ति पूछ सकता है, उसने भी 10 सवाल डाला है सरकार के नीतिगत मामलों से लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र तक के। ये सवाल हैं, एक ध्यानाकर्षण डालूँगा, फिर एक निजी संकल्प होता है, उसके बाद तो शून्यकाल की सूचनाएं हैं, शून्यकाल की सूचनाओं में कोई जो चाहे डाल सकता है। अब देखिए सदन कैसे चलता है, सदन चलेगा तो जनहित के मामले सामने आएंगे। नहीं, सरकार सरकार है, और सरकार को जो उचित लगता है वह करने के लिए स्वतंत्र है, और सरकार जो भी करती है अपने विधि विभाग से सलाह लेती है, विधेयकों के मामले में महाधिवक्ता से सलाह लेती है। तो एक बार जब राज्यपाल महोदय ने लौटा दिया है तो सरकार को इतना ही देखना चाहिए कि हम जो विधेयक के रूप में जो भी विषय लाना चाहते हैं फिर से सदन में, वे संविधान के प्रावधानों के कितने अनुकूल हैं। विधानसभा संविधान के प्रावधान के अनुसार से चलती है, सरकार भी उसी हिसाब से चलती है। हम सभी शपथ लेते हैं कि संविधान के प्रावधानों का पालन करेंगे, तो सरकार को भी देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ पास कर दें और बाद में राज्यपाल अगर उस पर स्वीकृति दे भी दें तो न्यायपालिका है या संवैधानिक संस्थाएं और हैं जो देख रेख करती हैं, ये सभी फिर से उसको खारिज कर दें। तो आम जनता के बीच में संदेश देने के लिए तो अच्छा है, मगर मुझे लगता है कि आम जनता भी अब धीरे धीरे प्रशिक्षित हो रही है। मेन मीडिया है, सोशल मीडिया है, विजुअल मीडिया है, इसके माध्यम से जो संदेश पहुंचता है नीचे, तो लोग समझने लगे हैं कि संविधान के प्रावधान क्या हैं। कोई सरकार उसके इतर जनता की भावना को उद्वेलित करने के लिए कोई काम करेगी या अपनी साख जनता के बीच में ज़्यादा बढ़ाने के लिए काम करेगी, तो लोगों में भी चर्चा होने लगी है कि यह काम
हो ही नहीं सकता है तो हम विधानसभा का समय क्यों नुकसान करें और लोगों के बीच में हम क्यों उत्तेजना फैलाएं। आवश्यक है कि ऐसे मकाम अगर सरकार चाहती है कि हो यहाँ पर इस तरह का कानून लागू हो तो उसके लिए संसद अच्छा पटल होगा जहाँ बहस करके हमको संविधान में संशोधन कराना चाहिए। और हमारे यहाँ की जो सरकार है यह तो नया जो इंडिया बना है इस नया इंडिया का एक हिस्सा है तो नया इंडिया को पहले सामने आना चाहिए कि भाई हम राष्ट्रीय स्तर पर बहस करके ऐसे कदमों को कितना उचित समझते हैं। वैसे सरकार स्वतंत्र है, सरकार जो चाहे सदन में अपनी ओर से ला सकती है, उचित है अनुचित है इसका विचार सदन करेगा। नहीं बन पाई तो सवाल तो उठ ही रहे हैं इसके ऊपर में, आप भी उठा रहे हैं, जनता भी कह रही है। इनका कहना है कि भाई हम लोकतांत्रिक दल हैं, हर स्तर पर विमर्श करते हैं और विमर्श होगा तो एक अनुशासित दल हैं तो केंद्र से भी अपनी सहमति लेंगे। मुझे लगता है कि आज कर देना चाहिए, आज अगर नेता प्रतिपक्ष घोषित नहीं होता है तो इससे संदेश अच्छा नहीं जाएगा।